नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी, और आज हमारी इस खास पेशकश में हम जानेंगे एक नए खतरे के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड वेव की, ओमिक्रॉन, एक नया वेरिएंट जिसके बारे में ना तो कुछ पता है और ना ही हम जानते हैं क्या है सिम्टम्स और नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं। आज इन सबके बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कैसे बच सकते हैं, कैसा ये वायरस है और किस तरीके से आपको इससे खतरा है और बच्चों को कितना खतरा है, साथ ही सीनियर स्टूडेंट्स को कितना खतरा है। तो इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के सक्सेना, बहुत सारा स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब जो है वो रिटायर्ड सिविल सर्जन है, साथ ही काफी गहरा अनुभव रखते हैं मेडिकल फील्ड में। तो बिल्कुल सर, पहले सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर कि ओमिक्रॉन एक्चुअली में है क्या, क्या सिम्टम्स हैं और कोरोना से ये अलग कैसे है? देखिए, हम पिछले 2 साल से लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। ये भी कोविड 19 का एक तरह से, ये कहें एसएस कोविड 2 जो था सीओवी, उसी का एक वेरिएंट है। पहले अल्फा आया, फिर जो है उसके बाद डेल्टा आया, हालांकि बीच में बीटा भी आया, लेकिन वो एक आध कंट्री में हुआ। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा ये सब आ गए, लेकिन जो मेन जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को परेशान किया है वो अल्फा के बाद डेल्टा था और डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन है। पूरे वर्ल्ड में जिस तेजी से कोरोना ने उत्पात मचाया है, तो सबको पहले एक ही चीज समझ में आई है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इससे बचाव का कारण, बचाव का मेन जो कहना चाहिए एक चीज है जिससे कि हम इससे बच सकते हैं और जिसका हमको पालन करना चाहिए। इसीलिए मास्क जरूरी है। अब जहां तक सवाल है कि हमने देखा था कि जब अल्फा वेरिएंट ने उत्पात मचाया था कोरोना में, तो उस समय जो हमारी एजेड पॉपुलेशन थी वो ज्यादा अफेक्ट हुई थी, मॉर्टेलिटी रेट वहां सबसे ज्यादा था, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा था। और इतना सडन इसका ऑनसेट था कि ये सोचने का समय नहीं मिला कि क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहीं ऑक्सीजन की आपाधापी थी, कहीं वेंटिलेटर की आपाधापी थी, कहीं चाहे बेड्स की आपाधापी थी, वो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज रही हो या डेवलपिंग रही हो, दोनों ही अपने अपने ढंग से परेशान थे और दोनों ही इसको मैनेज करने में असफल रहे। इस पूरे एपिसोड को हम देखें तो डेल्टा वेरिएंट जब आया था तो डेल्टा वेरिएंट में भी वही हमने देखा कि अल्फा से के बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने कोई बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस होने के बाद आगे की नीति बनाना चाहिए थी, वो नहीं बनी। और ये आपाधापी फिर डेल्टा में भी जो है काफ़ी समय तक परिलक्षित हुई। जो इंतजाम किए जाने थे वो सभी प्रकार के इंतजाम समय पर नहीं हो पाए और उसमें भी मॉर्टेलिटी रही, लेकिन दोनों में नेचर अलग था। एक में एजेड थे और दूसरे में मिडिल एज पे आ गई थी। तीसरी जो आ रही है, इसमें कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड वेव के टाइम पे जितनी आपाधापी एडमिशन की, ऑक्सीजन लो होने की, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हाई फीवर, लंग इन्वॉल्वमेंट, मल्टी सिस्टम फेलियर या कोमॉर्बिड जो पेशेंट थे उनका ज़्यादा अफेक्ट होना, इन सब चीज़ों को इसमें, इन सब चीज़ों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है। फर्स्ट और सेकंड वेव में एक खास चीज़ हुई थी कि हर स्टेट जो था, कोई भी स्टेट कॉम्पिटेंट नहीं था अपने आप को, हर कोई सेंटर की तरफ देख रहा था कि सेंटर सेंटर हर चीज के लिए, वो सेंटर की तरफ चिल्ला रहे थे। थर्ड वेव में जो सबसे बड़ी चीज हुई है, नाउ इट इज कंट्रोल्ड सेंट्रली, और सेंट्रल से कंट्रोल होने के बाद जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है किसी भी स्टेट में, कहीं भी एनआरके नहीं है, एंड वी शुड थैंक अवर ऑनरेबल पीएम मिस्टर मोदी, जिनका जो एक दृष्टि है वो पूरे भारत को सही ढंग से, सही तरह से इस मामले में कम ले जा रही है। बिल्कुल,
डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी यहाँ पर कि हमने कोविड को देखा है, हमने कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स भी देखे हैं। यहाँ पहले डेल्टा वेरिएंट आया था, लेकिन अब जब ओमिक्रॉन आया है तो उसके लक्षण क्या, सावधानी क्या बरतना चाहिए लोगों को? साथ ही यहाँ पर जो है इसके संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट वेव हमने देखे तो फर्स्ट वेव में हमें एक स्पीड समझ में आ रही थी कि पहले जो है एक महीने में दो महीने में लगभग 1,000 केस हुए थे, लेकिन अब जो है सेकेंड वेव में देखा तो एक महीने में ही लगभग 1,000 केस हो गए। फिलहाल की बात करें 10 दिन में 1,000 केस हो गए, मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही है। हाँ, संक्रमण किस तरीके से, क्या ये मजबूत होता जा रहा है और ज्यादा, या फिर हमारे इम्यूनिटी पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इस बार बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है, तो इसका मैं विस्तार जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, ओमिक्रॉन की एक खासियत और भी है। ओमिक्रॉन है तो अल्टीमेटली ये म्यूटेशन ऑफ डेल्टा वायरस है। तो जब म्यूटेशन ऑफ डेल्टा है, 32 स्पाइक्स हैं, और इसके आरएनए और डीएनए में जो चेंजेस म्यूटेशन से आए हैं और जिस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है, तो ये फैल तीव्र गति से रहा है। लेकिन इसका एक एडवांटेज और है, वो एडवांटेज ये कि डेल्टा वायरस खत्म कर देगा ये। जिन जिन को भी डेल्टा वायरस है, यदि कोई प्रॉब्लम है या जिनको हो रहा है और यदि उनको ओमिक्रॉन होता है, तो ये डेल्टा वायरस को जो है उसको जो है उनके एंटीबॉडीज और इन सबको जो है अफेक्ट करेगा ये। और 14 दिन बाद जब इसकी एंटीबॉडीज बनेंगी, तो ये ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी एज कम्पेयर टू अदर्स। दूसरी चीज, इसके जो लक्षण हैं, इसके इनिशियली लक्षण तो फ्लू जैसे ही हैं कि आपको हल्का बुखार आना, गले में खराश होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कई बार ड्राइनेस, ड्राई कॉफ इसकी पॉसिबिलिटी, लेकिन मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी नहीं देखा गया है। और मोस्टली ये कॉन्टेक्ट आने के 4-5 दिन के अंदर आ जाता है, मैक्सिमम इफेक्ट इसका 14 दिन रहता है। और रेयरली ऐसे देखा गया है कि जहां आपको बहुत ज्यादा फीवर आए या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो। सबसे बड़ी चीज है कि यदि आपको फीवर आता है और 100 से ऊपर फीवर जाता है, आपको भूख वगैरह नहीं लगती या आपको मांसपेशियों में बहुत दर्द है, तो आप सिंपल अपनी जांच कराएं, आप सिंपल डॉक्टर से कंसल्ट करके और मेडिसिन ले सकते हैं और अपने आप को आइसोलेट करें। बेस्ट चीज है आप अपने आप को आइसोलेट करें, घर पर रहें। 14 दिन निकल जाने के बाद आप कहीं भी निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे यहाँ पर कि 3 दिन की गाइडलाइन आई है कि 3 दिन में अगर बुखार नहीं आता है तो 7 दिन में आप अपने आप को नेगेटिव मान लीजिए। इसका क्या मतलब है, किस तरीके से 3 दिन में बुखार नहीं आता है तो हम नेगेटिव हो सकते हैं? साथ ही 7 दिन बाद कोई टेस्ट भी नहीं कराना होगा अगर आप पॉजिटिव हो भी गए हैं तो? देखिए, मैंने अभी आपको वही कहा ना कि 3-4 दिन बाद बुखार आता है। यदि 3-4 दिन बाद यदि बुखार आपको नहीं आया 5 दिन के अंदर, तो आप ये मानिए कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। आपके शरीर में जो आपने इम्यूनाइजेशन किया है, भाई देखिए, हिंदुस्तान में आज की तारीख में 120 करोड़ को जो है वैक्सीन लग चुका है। और उसमें अब आप ये मान के चलिए कि हमारा जो वैक्सीन डबल डोज का जो टारगेट है, वो भी आज की तारीख में मोर देन हमने 70 के आसपास अचीव कर लिया है। तो यदि हम इसको भी कंबाइंड कर दी, हमारे 180 करोड़ यदि हम आज की तारीख में भी टोटल वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हार्ड इम्यूनिटी भी तो पैदा हुई है। यदि हम इन सबको कोरिलेट करें तो पैनिक की कहीं जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को आइसोलेट रखें। यदि हमको जरा भी डाउट हो, हम अपने आप को आइसोलेट रखें, हमारा खान पान जो है वो हम उचित रखें। मतलब आप घर का बना हुआ खाना खाइए, खूब पानी, साफ पानी पीजिए, आपका व्यवहार, रहन सहन, इसमें सब में सफाई हो, आप मास्क का उपयोग करें, दूसरों से दूरी बना के रखें, घर का वातावरण शुद्ध रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। ये सब चीजें अपने को, मतलब वैसे तो ये सनातन प्रथा है कि घर में साफ सफाई रहे और सब चीजें घर की बनी अपन खाएं, लेकिन आज जो स्थितियां बन गई हैं जिसमें कि हर कोई जो है वो फास्ट फूड और फ्राई फूड, ये जो खाने की एक जंक फूड, ये जो एक खाने की प्रथा चली है, वो भी कई हद तक नुकसानदायक है।
जी डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अभी फिलहाल में दोनों डोज लगने वाले जो हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनको एक भी डोज नहीं लगा है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पर बूस्टर डोज अब लगाया जा रहा है सीनियर सिटीजन को, तो अब ऐसे में वैक्सीनेशन के बावजूद पॉजिटिव होना ही अपने आप में कहता है कि लोग डर जाते हैं कि वैक्सीन लगवा लिया फिर भी हमें पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये क्या चीज है? लोगों को इस मिथ से जल्द दूर करिए। देखिए, वैक्सीनेशन आपने लगवाया है, वो वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ कितनी कारगर हैं और इसके जितने भी म्यूटेशंस होंगे और जितने भी, वही है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा और उसके बाद ये आपका ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन के बाद अभी बीच में म्यू भी आया था, ओमिक्रॉन के बाद नेक्स्ट एक और चल रहा है। तो इस तरीके के यदि म्यूटेशन होंगे तो म्यूटेशन में आपकी जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप आपके शरीर में हैं वो कितनी क्षमता से लड़ पाएंगी ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो वैसे ही है कि एक अटैक हो रहा है और एक अटैक खत्म होने के बाद जहाँ मिलिट्री लौटती है और जब तक आपके आदमी तैयार हो उस समय दूसरा अटैक हो जाए, तो आपका जो फोर्स है वही फोर्स लड़ेगी ना, और वो फोर्स लड़के यदि उसको कंट्रोल कर लेती है तो दैट मीन्स कि वैक्सीनेशन आपका इफेक्टिव है। और वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होता तो जो हमने अल्फा और बीटा में स्थिति देखी थी सॉरी, हो सकता है वही स्थिति आपकी इसमें भी होती है। जी डॉक्टर साहब, एक और मैं बात आप जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अभी हमने बात की यहाँ पर कर ली वैक्सीनेशन की सभी चीजों की, लेकिन हेल्थ अगर हम फैसिलिटीज को देखें यहाँ पर, तो जो पहली वेव थी, सेकेंड वेव थी, थर्ड वेव थी, हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया था, उन्हें अपग्रेड किया था, हमने देखा था कि वहां पर जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं कि सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन जरूरत पड़ी, दवाइयों में हमें रेमडेसिविर जरूरत पड़ी, लेकिन थर्ड वेव में क्या, अभी थर्ड वेव किस तरीके से रहेगी, साथ ही क्या फर्क आया है अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में हम जो चाहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में आज मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में ना तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन हुआ है, ना किसी भी स्टेट में राजकीय स्वास्थ्य सेवाएं करके कोई चीज है। हमारे यहाँ जिस तरीके से राज अन्य स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, स्टेट पुलिस सर्विसेज, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज है, स्टेट फाइनेंस सर्विसेज है, क्या हमारे यहाँ स्टेट मेडिकल सर्विसेज है? क्या नहीं है? यदि आज हम 70 साल के बाद यदि स्टेट मेडिकल सर्विसेज भी नहीं कर सकते तो इससे बड़ा तो शायद दुर्भाग्य प्रदेश का नहीं है, और इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण सिर्फ अस्पताल बनाना, इक्विपमेंट खरीदना है और उसको ठेके पे चलवाना, हमारा दृष्टिकोण यह है कि डॉक्टर चलाएं, अस्पताल में प्रशिक्षित लोग हों और उन सुविधाओं को जनता तक उनके द्वारा पहुंचाई जाए, क्योंकि ये निजीकरण की ओर बढ़ावा बुराई चीज नहीं है, लेकिन अस्पताल जो सरकारी है, क्या कल बल्लभन में आधे डिपार्टमेंट क्या ये ठेके पे दे दिए जाएंगे? वहां पे क्या कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को रखा जाएगा? ये परिपाटी कहाँ ले जाएगी? हमको ये समझना होगा कि चिकित्सा जो है एक सम्मानीय पेशा है और उसमें सम्मानीय ढंग से ही कार्य करना होगा। चिकित्सकों को जिस तरीके से देखा जाता है और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो कदापि उचित नहीं है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में आज की तारीख में शासकीय सेवा में 2000 से ज्यादा डॉक्टर नहीं है, जबकि यहाँ 10,000 होना चाहिए, और पिछले 10 साल में 15 साल में 1,500 डॉक्टर भी भर्ती नहीं हुए, तो ये कहाँ जा रहे हैं? हम सब पूरे शनि शनि सब रिटायर होते जा रहे हैं। हमारा ध्यान इस ओर है ही नहीं कि हमको चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टरों का भी सुदृढ़ीकरण करना, हमारा सिर्फ सुदृढ़ीकरण करना हमको बिल्डिंगों का और उपकरणों का, और फिर हम इनको प्राइवेट वालों को हाथ में दे देंगे चलाने के लिए, तो फायदा किसका हुआ? जनता का हुआ क्या? डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हमें देखी गई किस तरीके से अफेक्टेड रही हमेशा से, और ऐसे में अब जो है थर्ड वेव में भी उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है, इस बार जो है गांव के कंपैरिजन में शहर में केसेस ज्यादा